नमस्कार दोस्तों, टारगेट 99 चैनल में आप सभी को स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में UPSI 12 नवंबर 2021 को जो सेकंड शिफ्ट में एग्जाम हुआ था उसके सारे हिंदी के प्रश्न लेकर के प्रेजेंट हुए हैं। दोस्तों, अगर आप इससे पहले 12 नवंबर 2021 के फर्स्ट शिफ्ट का वीडियो नहीं देखे हैं तो वह वीडियो आप जाकर पहले देख लीजिए। दोस्तों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा ले ताकि मेरे द्वारा डाला गया हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए 1 से लेकर 40 तक सारे हिंदी के प्रश्न को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? आंसर होगा निश्चयवाचक सर्वनाम। वे आम के पेड़ हैं, जिसमें वे जो है से निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। सेकेंड, थर्ड और फोर्थ प्रश्न जो कि अनुच्छेद है, इसको पढ़कर इसका आंसर देना है। इसमें अनुच्छेद जो कि क्लियर नहीं है तो इसके बाद वाला प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? गरिमा, गरिमा जो कि स्त्रीलिंग है, स्पर्श, लेख और दुख जो कि पुलिंग है। स्पर्श, लेख, दुख जो कि पुलिंग है, गरिमा स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट प्रश्न है, घास फूस में कौन सा समास है? आंसर होगा द्वंद, घास फूस में द्वंद समास है, घास फूस में द्वंद समास है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है? तो यहाँ पे आंसर होगा बुंदेली जो कि राजस्थानी की बोली नहीं है। राजस्थानी की बोली है मेवाली, मेवाती, मारवाड़ी, ये तीनों जो कि राजस्थानी की बोली है। राजस्थानी बोली के अंतर्गत, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान की बोली है, जयपुरी पूर्वी राजस्थान की बोली है, मेवाती जो कि उत्तरी राजस्थान की बोली है और मेवाली जो कि दक्षिणी राजस्थान की बोली है। मालवी जो है सो दक्षिणी राजस्थान की, मालवी है जो दक्षिणी राजस्थान की, मेवाती जो कि उत्तरी राजस्थान की बोली है, मारवाड़ी जो कि पश्चिमी राजस्थान की बोली है एवं जयपुरी जो कि पूर्वी राजस्थान की बोली है। आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है? उदार का विलोम बताना है, उदार का विलोम क्या होगा? कठोर, नर्म, पुरुष, कोमल। तो पुरुष का स्त्री होगा, कोमल का कठोर होगा, उदार का विलोम क्या होगा? यहाँ पे आंसर कठोर दिया हुआ है जो कि आप वीडियो में देख लीजिएगा, आप इसको अपने स्तर से देख लीजिएगा, कोमल का कठोर होता है, उदार का भी कठोर होता है या नहीं होता, इसको आप लोग अपने से देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास, प्रेमचंद द्वारा कौन सा उपन्यास लिखा गया जो कि पूर्ण नहीं हुआ, यानी अपूर्ण, प्रेमचंद के द्वारा अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है? मंगलसूत्र जो कि प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है जो कि अपूर्ण उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बेरी सम जपी परम स्नेही। यह जो है से किसकी प्रसिद्ध उक्ति है? यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है तो बताना है, तो यह तुलसीदास की उक्ति है, यह तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। जाके प्रिय न राम वैदेही, ताजिए ताही कोटि बेरी सम जपति परम स्नेही। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, उपसर्ग किस में नहीं है? तो विरासत में उपसर्ग नहीं है, इसमें उपसर्ग नहीं है। व्यापार में वी उपसर्ग है, विकल में वी उपसर्ग है एवं वीक्षक में वी उपसर्ग है। नेक्स्ट प्रश्न है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है, इसमें हो गया कर्तृवाच। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा तत्सम शब्द है? इसमें तत्सम शब्द को बताना है, तत्सम शब्द कौन सा है? केतकी जो कि तत्सम शब्द है, तत्सम में केतकी आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी के द्वारा संपादित पत्र का नाम बताना है, तो जो कि समालोचक जो कि गुलेरी के द्वारा संपादित किया गया पत्र है, गुलेरी के द्वारा समालोचन पत्र को संपादित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा है जो तत्वभव नहीं है? इसमें तत्वभव नहीं, कौन सा है जो तत्वभव नहीं है? तो कार्य, कार्य जो कि तत्वभव नहीं है, कहानी, काठ एवं कसौटी जो कि तत्वभव है, कार्य, कार्य जो कि तत्सम के अंतर्गत आएगा तत्वभव नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें बताना है कि मिश्रित तथा संयुक्त वाक में, मिश्रित तथा संयुक्त वाक में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? मिश्रित तथा संयुक्त वाक, जब मिश्रित वाक हो और संयुक्त वाक हो में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर होगा अर्ध विराम। अर्ध विराम का प्रयोग मिश्रित तथा संयुक्त वाक में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जंगम, जंगम के विलोम क्या होगा? जंगम का विलोम अस्थावर होता है, जंगम के विलोम अस्थावर होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है? हिंदुस्तानी भाषा का रूप है हिंदी उर्दू मिश्रित, हिंदी उर्दू मिश्रित जो कि हिंदुस्तानी भाषा का जो कि भाषा है। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति के साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो यह अपूर्वा, अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को, अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। अपूर्वा, अपूर्वा के लिए केदारनाथ अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो कि है खर का पर्यायवाची है? खर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है वह बताना है, खर का पर्यायवाची कौन होगा? तो यहाँ पे आंसर होगा गधा, गधा खर का पर्यायवाची होगा जो कि गधा होगा। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अथ का विलोम है? अथ का विलोम क्या है? इति, इति के अथ होता है, इति का विलोम अथ होता है, अथ का विलोम इति होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राम सेब खाता है, राम सेब खाता है वाक्यों में क्रिया का कौन सा प्रकार है? राम सेब खाता है इसमें क्रिया का कौन सा प्रकार है? तो आंसर होगा सक्रमक क्रिया, इसमें कर्म है। राम क्या खाता है? तो सेव खाता है, तो यह सक्रमक क्रिया हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? सहायता, सहायता जो कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, सहायता जो कि सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका बहुवचन नहीं होता है। जिसे पुस्तक, लड़का और पौधा हुआ, इसका बहुवचन में ही प्रयोग होता है, लड़का का लड़के, पुस्तक के पुस्तकें एवं पौधा का पौधे होता है बहुवचन। बाकी सहायता जो होता है से हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है, सहायता के सहायते नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शिक्षक जो है कि किस संज्ञा के अंतर्गत आता है? तो शिक्षक जो होता है से जातिवाचक संज्ञा में आता है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत शिक्षक आता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? स्त्रीलिंग कौन सा है? तो विवाद है जो कि पुलिंग है, रूप पुलिंग है, विवाद रूप पुलिंग है, इसी तरह सार भी पुलिंग है, एवं आय, आय, आयु, ये सब जो है स्त्रीलिंग होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधिशिला, अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार में कौन सा छंद है? इसमें छंद बताना है, तो छंद में यह बरवे छंद के अंतर्गत आएगा, बरवे। अवधिशिला का उस पर था गुरु भार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार, यह जो कि बरवे छंद के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन सा नहीं है? सर्वनाम का भेद जो कि इसमें गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, नहीं होता है, पुरुषवाचक। सर्वनाम के छह भेद होता है, सर्वनाम के छह भेद होता है, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। गुणवाचक, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, सर्वनामिक वाचक, ये सब जो कि विशेषण के भेद के अंतर्गत आते हैं। इसी तरह यहाँ गुणवाचक है जो विशेषण के भेद है, सर्वनाम के भेद नहीं है। हिंदी साहित्य का आदिकाल लेखक कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल लेखक जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जो कि हिंदी साहित्य का आदिकाल के लेखक हैं, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी काल के आदिकाल, हिंदी भाषा जो होता है हिंदी साहित्य के आदिकाल का लेखक हैं। नेक्स्ट है, कमल, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला, कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाला ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द है? यह जो कि जलज का, जलज का, जो जल में जन्म लेता है उसको जलज कहा जाता है। इसी तरह कमल जल और
मोती में उत्पन्न लेने वाला को जलज कहा जाता है। नेक्स्ट है रानी केतकी की कहानी। रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है? रानी केतकी की कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह रानी केतकी की कहानी है जो कि ईसा अला खां के द्वारा रानी केतकी की कहानी लिखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है? सर्वनाम शब्द कौन सा है? तो इसमें रोग जो कि सर्वनाम नहीं है, नींद नहीं है, सफाई नहीं है, कौन है जो कि सर्वनाम शब्द है? सर्वनाम के छह भेद होता है, तो कौन है जो कि प्रश्नवाचक सर्वनाम के भेद के अंतर्गत आता है? निम्नलिखित में से किस वाक में कर्मवाच नहीं है? कर्मवाच नहीं है, किस में कर्मवाच नहीं है? तो इसमें बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, बालक खिलखिलाकर हंस रहा था इसमें जो कि कर्मवाच नहीं है। उससे खाना नहीं खाया गया उससे खाना नहीं खाया गया यह जो कि भाववाच के अंतर्गत आता है। इसमें आंसर ए होना चाहिए, उसे खाना नहीं खाया गया, यह जो कि भाववाच के अंतर्गत आता है, कर्मवाच नहीं है। ये सभी कर्मवाच के अंतर्गत आता है। छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, छात्र के द्वारा क्या पढ़ी गई? पुस्तक पढ़ी गई। दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, यह जो कि इसमें भी कर्मवाच है। और बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। नेक्स्ट प्रश्न जो कि लोकोक्ति से था, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसमें लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीख, भिखारियों की भीड़ होना। आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इसका इस लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ होगा किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश का अर्थ होगा। नेक्स्ट है कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस प्रमुख है? यह जो कि अद्भुत रस है। कबीर की उलट बासियों में कौन सा रस है? कबीर की उलट बासियों में अद्भुत रस है। अद्भुत रस के उदाहरण यह है कबीर की उलट बासियाँ। नेक्स्ट है पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है? पूर्वी हिंदी का विकास जो कि अर्धमागधी से हुआ है, पूर्वी हिंदी का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। इसी तरह सौर सेनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और गुजराती का विकास हुआ है। मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी बांग्ला उड़िया और असमिया का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी जिसे अवधि भी कहा जाता है, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। महाराष्ट्रीय अपभ्रंश से मराठी भाषा का विकास हुआ है। खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी का विकास हुआ है एवं ब्राचड़ अपभ्रंश से सिंधी एवं पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। खड़ी बोली है इसे कौरवी भी कहा जाता है। हरियाणवी बोली को बांगड़ी कहा जाता है। वज्रभाषा के प्रसिद्ध कवि जो कि सूरदास थे और भूषण को ब्रजभाषा का प्रसिद्ध कवि कहा जाता है। बुंदेली भाषा के प्रसिद्ध कवि जगनिक को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? वात्सल्य रस का सम्राट जो कि सूरदास को कहा जाता है, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है किस पत्रिका का संपादक भारतेंदु ने नहीं किया? भारतेंदु के द्वारा किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया? तो भारतेंदु पत्रिका का संपादन जो कि भारतेंदु के द्वारा नहीं किया गया, भारतेंदु के द्वारा बाल बोधनी, कवि वचन सुधा एवं हरिचंद्र मैगजीन
हरिचंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधनी का संपादन जो कि भारतेंदु के द्वारा किया गया, भारतेंदु के द्वारा बाला बोधनी, कवि वचन सुधा एवं हरिचंद्र मैगजीन के का संपादन किया गया। भारतेंदु के द्वारा भारतेंदु का संपादन, पत्रिका का संपादन नहीं किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है, दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय इस वाक्य के प्रयुक्त शब्द क्या होगा? दोपहर के बाद समय को अपराह्न कहा जाता है। दोपहर के पहले के समय अगर पूछे तो दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरंग लय, सरंग लय, सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग छिनो पई के सारंग गई, सारंग कई गई चोट में कौन सा अलंकार हुआ है? इसमें अलंकार है जो कि यमक अलंकार है, यमक अलंकार है। सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पई के सारंग कई गई चोट, इसमें यमक अलंकार है। यमक अलंकार इसमें सारंग लय सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पई के सारंग कई गई ओट, इसमें यमक अलंकार है। नेक्स्ट में आज का आखिरी प्रश्न है, तरल का विलोम क्या होता है? तरल का विलोम क्या होगा? तो तरल का विलोम ठोस होगा, ठोस का तरल, तरल का ठोस, जटिल के सरल और सरल के जटिल होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।